उसके बाद सिक्स नंबर है ये सनफ्लावर का फूल है, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। तो क्वेश्चन यह क्या है, यह सूरजमुखी है क्या? क्या सूरजमुखी एक फल है? नहीं। ओके तो यह क्या है? यह आलू है, राइट? आलू एक अनाज है। एप्पल है एक नंबर।
ಎಡ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ क्या पूछेंगे सबसे पहले यह क्या आंसर यह सेब यह सेब क्वेश्चन क्या पूछेंगे दूसरा क्या सेब एक सब्जी है नहीं सेब सेब नहीं सेब एक सब्जी नहीं है सेब एक फल है हाथी है समझ में हाथी का मुंह है छोटा वाला ढूंढो तुम्हें यह क्या है थोड़े पैर बड़े वाले कर दूं पहले यह हाथी क्या हाथी एक नहीं
पशु लिंग एक नंबर क्या लिखा है निम्नलिखित खाली जगह पर क्या लिखा है निम्नलिखित खाली जगह पर आलू एक खाली जगह है। आलू एक क्या है सब्जी। आलू एक क्या है सब्जी। आलू एक सब्जी नंबर आप लिखो। मैं बोल रही हूँ गेहूं एक खाली जगह।
बेटा पहले बोल बोल कर। आपको आंसर अपने आप बोल बोल कर ही लिखने। घोड़ा एक पक्षी है। क्यों? घोड़ा एक प्राणी है। कमल एक फूल है। राइट, कमल एक फूल है। सेब एक सब्जी है। रॉन्ग, सेब एक कौन है? फल। तो यहाँ हमारा चैप्टर 20 खत्म हुआ। हम में इसमें से वन वर्ड आंसर है, खाली जगह है, राइट और रॉन्ग है, दो दो नाम लिखो, ये है, कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो आपको आना चाहिए। आप नहीं समझ रहे हैं तो दो तीन बार पढ़ लो, बुक्स में भी लिखना है, जिसके पास बुक है वो बुक में भी लिखे, बुक नहीं है वो नोट में तो कंपल्सरी सबको लिखना है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म करते हैं, वीडियो भी खत्म करते हैं, उसके बाद चैप्टर 21 उल्टे शब्द है, तो वो एक दो बार पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारा पूरा करते हैं, खत्म करते हैं।